हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ चीज़ गार्लिक ब्रेड की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर हम इसे केचप और मेयोनीज के साथ सर्व करें तो इसका टेस्ट डबल हो जाता है। तो आइए जल्दी जल्दी हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है कोरिएंडर, चीज़, ओरिगेनो, गार्लिक, बटर। ये जी हमारा ब्रेड। अब जी हम ऑयल को गर्म होने रख देंगे। ऑयल को गर्म होते ही मैंने इसमें गार्लिक ऐड कर लेना है। यहाँ मैंने एक गार्लिक लिया है छिला हुआ। यहाँ मैं इसे गोल्डन कर लूँगी। हमें इसे ब्राउन बिल्कुल भी नहीं होने देना है। अगर हमारा गार्लिक ब्राउन हो जाएगा तो जो हमारा चीज़ गार्लिक ब्रेड का बटर है उसका कलर भी ख़राब हो जाएगा और हमारा टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा चीज़ गार्लिक ब्रेड का। ये देखिए जी, हमारा गार्लिक गोल्डन हो गया। मैं इसे जल्दी से उतार लूँगी। अब जी मैं इसे नाइफ़ की हेल्प से कट कर लूँगी। फ्राई करने के बाद हमारा जो गार्लिक है वो सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए हम इसे स्पून की हेल्प से मैश कर लेंगे। उसके बाद हम इसे ग्राइंडर में डाल देंगे। ये देखिए जी, मैं इसे अच्छे से स्पून की हेल्प से अब जी मैं इसे ग्राइंडर में डाल दूंगी। और जो हमारा बटर था हम इसे ग्राइंडर में डाल देंगे। और जब तक ग्राइंड करेंगे हम इन दोनों चीज़ों को, जब तक कि हमारा जो गार्लिक है वो अच्छे से ग्राइंड नहीं हो जाता है, हमारे बटर में मिक्स नहीं हो जाता है। ये देखिए जी, मैंने अपना गार्लिक ऐड कर लिया है इसमें जार में। ये जी मैंने बटर भी डाल दिया। अब जी मैं इसे ग्राइंड कर लूंगी। और ये देखिए जी, हमारा चीज़ गार्लिक ब्रेड का बटर, कितना अच्छा सा बटर रेडी हो गया है। मैंने इसे बॉल में निकाल लिया। मैं इसमें ओरिगेनो ऐड करके और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें हमें सॉल्ट बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो बटर है उसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है। यहाँ जी मैंने ओरिगेनो डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें कोरिएंडर भी डाल लेंगे, यानी कि हरा धनिया। ये देखिए जी, अब हमारा जो चीज़ गार्लिक ब्रेड का बटर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमें इसे ब्रेड पे दोनों साइड स्प्रेड कर लेंगे। अब मैं सारी ब्रेड पे ऐसे ही स्प्रेड कर लूँगी इसे दोनों साइड। पैन को मैंने मीडियम फ्लेम पर गरम होने रख दिया है। अब जी हम इसमें अपने ब्रेड को रख देंगे और उसका गोल्डन होने का वेट करेंगे। इसे टर्न करके चेक करते रहना है, बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए, बहुत जल्दी जलने लगता है। ये देखिए जी, हमारा जो ब्रेड है वो नीचे से धीरे धीरे गोल्डन होना स्टार्ट हो गया। अब मैं इसे टर्न कर दूंगी।
ब्रेड को टर्न करने के बाद मैं जो मीडियम कर दूंगी फ्लेम को बिल्कुल, अब मैं फ्लेम को बिल्कुल लो कर दूंगी और इसके ऊपर चीज़ डाल दूंगी। यहाँ जी जो है मेरे पास टाइम कम था तो मैंने चीज़ के बड़े बड़े पीसेस का यूज़ किया है, आप चीज़ को ग्रेट करके यूज़ कीजिएगा क्योंकि ये चीज़ टाइम लेगा मेल्ट होने में। आप ग्रेट कर डालेंगे तो ये बहुत जल्दी मेल्ट होगा। अब जी मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और थोड़े टाइम बाद मैंने गैस को बिल्कुल ऑफ़ करके और इसे कवर करके ऐसा ही छोड़ दिया था। मेरे चीज़ को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था मेल्ट होने में, आप बिल्कुल ग्रेट किया हुआ चीज़ लीजिएगा तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। हमारा चीज़ मेल्ट होने लगा है, अब जी मेरा चीज़ गार्लिक ब्रेड जो है रेडी हो गया है। मैंने इसमें बीच में से कट कर लिया था पीसेस को, ये बहुत ही टेस्टी बनता है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।